हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लोकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एचएस का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जनरल स्टडीज़ का, राइट। अभी हमारे पास जो सीरीज़ प्रोवाइडेड है वो है सीरीज़ सी, तो हम सी सीरीज़ सॉल्व करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन की। और उससे पहले गाइस, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मार्क करना था, राइट। तो इसमें पहली जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है वो है, देयर वाज अ प्रोविजन इन चार्टर एक्ट 1833 टू अबॉलिश स्लेवरी। बिल्कुल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ये चीज़ यहाँ पे की थी, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही रहेगी, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज, इन 1855 द ब्रिटिश मर्ज द रियासत ऑफ अवध। तो बिल्कुल भी नहीं, 1855 में नहीं हुआ था ये आपका हुआ था 1856 में, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी एंड ये सही रहेगी। तो इसका अकॉर्डिंगली जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है आपके पास, यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष। तो बिल्कुल भी नहीं, ये किया था स्टार्ट आपका हेनरी विवियन डोर्जियो ने, राइट। प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, तो बॉम्बे में ही हुआ था ये स्टार्ट, बट 1865 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1867 में। तो इसकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ये रॉन्ग हैं, तो आपका जो आंसर इसमें बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है आपके पास, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम नहीं करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, डेडिकेटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉपरेशन लिमिटेड, ये किसके अंडर काम करती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही काम करती है, इसको बोला जाता है DFCCIL, राइट। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी, तो अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर बनेगा इसमें वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज, क्यूपिम एंड कानकोन आर चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट एरियाज इन गोवा। देखिए गाइस, ये जो है आपके फॉल करते हैं साउथ ऑफ गोवा में, एंड साउथ ऑफ गोवा में आपको बॉक्साइट्स डिपॉजिट मिल जाते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद लैटराइट एंड अकर जनरली इन शीट्स। तो ये बिल्कुल सही रहेगा आपका, ब्लैंकेट्स या शीट्स की फॉर्म में लैटराइट जो है वो जनरली अकर करता है इंडिया में, राइट। तो पहला ऑप्शन भी सही है आपका एंड दूसरा भी सही है, तो अकॉर्डिंगली जो इसका आपको बस राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। फिफ्थ स्टेटमेंट इज, महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में, राइट। एंड सेकंड इज, सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939। तो ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा, तो स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो राइट एंड टू इज ऑल्सो राइट। तो स्टेटमेंट वन भी ठीक है, टू भी ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा ये भी बनेगा ए। सिक्स्थ वन इज, इन 1942 एसेंट टैगोर एस्टैब्लिश इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। तो किया तो एसेंट टैगोर नहीं था, बट ये 1942 यहाँ पे रॉन्ग है, ईयर जो है वो आपका है 1934, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड इज, बी आर अम्बेडकर मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये गलत है, ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, कब किया था? 1946 में, राइट। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आगे चल के हमारा क्या बना? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। इसमें जो आपका ऑप्शन बनता है वो बनता है आपका बी, राइट ऑप्शन, राइट। देन रेवेन्यू डिफिक्ट्स इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डिफिक्ट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ये भी आपका सही रहेगा। तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन है वो बन सकता है ऑप्शन नंबर ए, राइट। एट्थ वन इज, द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज इट इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। देन द एनर्जी विद इन एन इको सिस्टम इज कॉन्स्टेंट एंड नेवर चेंज। तो एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही रहती है, तो इसका भी जो ऑप्शन है दैट इज ए। नेक्स्ट वन इज, रूहर वैली इन जर्मनी इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। एंड बोस्टन इज एन इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन USA। तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है, वुडन शिप्स के लिए बोस्टन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है USA में, राइट। तो इसका भी जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ए ही रहेगा। नेक्स्ट
टेंथ स्टेटमेंट्स क्या है आपके पास? मलक्का स्ट्रेट इज द शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो ये आपका बिल्कुल सही रहेगी स्टेटमेंट, क्योंकि मलेशिया एंड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के बीच में ये स्ट्रेट है और यहाँ पे इंडियन ओशन है एंड इधर पैसिफिक ओशन है, राइट? तो ये तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। देन इरावेडी रिवर इंडोनेशिया में बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ये है आपकी म्यांमार में एंड ये फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट? और ये लार्जेस्ट रिवर है म्यांमार की, राइट? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपके पास, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सही रहेगा वो रहेगा आपके पास सी। नेक्स्ट, अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या है कि इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। तो यहाँ पे डेथ ऑफ सी आर दास ये हुई थी 1925 में, राइट? और सी आर दास को क्या बोला जाता है? देशबंधु। उसके बाद साइमन कमीशन कब आई थी गाइस? साइमन कमीशन आई थी 1928 में, जिसमें कि 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, और जॉन साइमन जो थे वो इसके चेयरमैन थे, राइट? उसके बाद डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास, तो जतिन दास की डेथ कब हुई थी? 1929 में, राइट? फिर उसके बाद क्या है? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी गाइस 28 अगस्त 1928 को, राइट? जिसको प्रिजाइड किया था मोतीलाल नेहरू ने, एंड इन्होंने मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की, राइट? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बन रहा है आपके पास इसमें? ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और आपको सेट दिया गया है जिसमें आपको ऑर्डर सेट करना है। ये कुछ लेटर मुगल्स दिए गए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है, राइट? तो जहांदर शाह जो है उसका टाइम पीरियड क्या रहा है आपके पास? 1712 to 1713। उसके बाद फारूक सियार 1313, राइट? उसके बाद अहमद शाह 1848 to 1854, एंड आलमगीर का क्या टाइम पीरियड है? 1854 to 1859। तो ये आपको एग्जैक्ट ऑर्डर में दिया हुआ था पहले से ही, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, राइट? नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है, ये आपके पास हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, राइट? अब देखिए, ये आपके पास मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये आपकी गंगा रिवर है, राइट? अब देखिए पहले क्या है, कोसी रिवर। तो कोसी रिवर जो है वो आपकी नेपाल से निकलती है, राइट? एंड ये गंगा में मिलेगी, राइट? सेकेंड वन इज तीस्ता रिवर। तीस्ता जो है वो आपकी सिक्किम से निकलती है एंड डायरेक्टली बांग्लादेश में जाके पद्मा रिवर से मिल जाएगी, राइट? आफ्टर दैट हमारे पास है गंदक। गंदक भी नेपाल से ही निकलेगी बट ये कोसी से पहले मिल जाती है, राइट? आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है शारदा रिवर। अब शारदा रिवर जो है वो डिफाइन करती है नेपाल एंड उत्तराखंड की बाउंड्री, राइट? और ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। तो ईस्ट टू वेस्ट देखना है गाइस, तो यहाँ पे आपके पास पहले आ जाएगी तीस्ता रिवर, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कोसी मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी गंदक, एंड उसके बाद मिलेगी आपको शारदा। तो अकॉर्डिंगली जो आपका सही ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा इसमें, राइट? आफ्टर दैट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी है कंट्रीज, राइट? तो ये जो आपके पास है ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज दी गई हैं। तो पहले आपको टॉप पे मिलता क्या है? टॉप पे नॉर्थ यूरोप में आपके पास मिलेगा नॉर्वे, राइट? उसके बाद जस्ट उसके नीचे आपको मिल जाएगा क्या? डेनमार्क। आफ्टर दैट सेंट्रल ऑफ द यूरोप में आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिया, राइट? एंड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में यूरोप में आपको देखने को मिलेगा क्या? स्पेन, राइट? तो ये ऑर्डर में ही गिवन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपके पास? बी, राइट? अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आपको अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ, राइट? तो यहाँ पे देखिए, ये आर्कटिक ओशन जो है वो नदर मोस्ट ओशन है, राइट? उसके बाद नॉर्दर्न अमेरिका में आपको नॉर्दर्न साइड में ही आपको आर्कटिक ओशन और अमेरिका के बीच में आपको यहाँ पे कहीं पे बैफिन बे मिलती है, राइट? उसके बाद यही नॉर्दर्न अमेरिका में ही आपको मिलती है हडसन बे। आफ्टर दैट आपको नॉर्दर्न अमेरिका में ही आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट? तो मैक्सिको, हडसन बे, बैफिन बे एंड आर्कटिक ओशन, ये ऑर्डर रहेगा गाइस, राइट? तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करनी है चीज़ें। तो बरदौली पीजेंट मूवमेंट जो थी वो आपकी वल्लभ भाई पटेल द्वारा लीड की गई थी, राइट? और ये हुआ कब था? 1928 में। उसके बाद खेड़ा पीजेंट मूवमेंट, एम के गांधी, राइट? और ये कब हुआ था? 1918 में।
राइट। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ये भी लीड किया गया था M.K. गांधी के द्वारा, राइट। और ये कब हुआ था? 1916 में, राइट। उसके बाद मोपला पीजेंट मूवमेंट, तो मोपला जो था ये मालाबार कोस्ट में, केरला की मालाबार डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट की गई थी, और हुआ कब था ये? 1921 में, राइट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बन रहा है आपके पास? 3241। 3241 कहाँ पे आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, आपको सीक्वेंस में लगाना है इसको, राइट। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा गाइज, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3241, राइट। आफ्टर दैट कुछ एग्रीमेंट्स दिए गए हैं आपको इंडो US, राइट। तो उसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि वो कब साइन किए गए थे, राइट। तो इसका जो आपके पास सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास 3142, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। आफ्टर दैट 19th क्वेश्चन है आपके पास, 1865 में हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। 65 में नहीं हुआ था गाइज, ये हुआ था 1862 में, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास गलत है। 1791 में जॉनथन डक्कन ने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया वाराणसी में, राइट। तो ये आपका सही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता टू आगरा जो है वो ओपन हुई थी 1854 में, ये भी सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये 1785 नहीं है, ये 1784 है, तो ये भी गलत रहेगा। तो ऑप्शंस जो आपके पास बन रहे हैं वो कौन से हैं? 2 और 3, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। अब यहाँ पे हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें आपको देखना था। तो हैदर अली एस्टेब्लिश्ड ए मॉडर्न आर्सेनल इन डिंडिगल इन 1757 AD, तो ये जो ईयर था गाइस ये था आपके पास 1755, राइट। एंड सेकंड क्या है, हैदर अली डाइड इन 1783, तो यहाँ पे ये 1782 है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, राइट। इनकी बैक पे कैंसर हो गया था जिसकी वजह से 82 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये वॉर जो चली थी वो चली थी 1780 में, राइट। उसके बाद टीपू सुल्तान ने प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल ये श्रृंगापट्टनम में ही किया था, राइट। उसके बाद टीपू सुल्तान जो थे मेंबर थे जैकोबियन क्लब के, ये सभी को पता होगा, राइट। ये दो चीज़ें तो सभी को पता होंगी, तो ये इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट। आफ्टर दैट जूट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव आइटम्स, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, राइट। उसके बाद गाइज ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो शुगर केन इज़ अ सीरियल क्रॉप, ये था इसका ऑप्शन नेक्स्ट, तो वेजिटेबल है शुगर केन एक, ये आंसर गलत आ जाता है, राइट। कॉटन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, तो ये ऑप्शन आपका सही है। एंड शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट एरिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा, क्योंकि शुगर केन जो है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपके पास वो रहेगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं, राइट। तो धोलावीरा जो है वो आपका कच्छ गुजरात में पड़ता है, राइट। तो ये तो आपका इंडिया में आ गया। राखीगढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में है, राइट। मोहनजोदाड़ो जो है वो आपका पाकिस्तान में है, एंड गणवेरी वाला जो है वो आपका ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान सिंध एरिया में है ये, राइट। तो जो ऑप्शन बनते हैं आपके पास वो बनेंगे ऑप्शन नंबर 1 और 2, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद बेडोइंस आर द वंडरिंग ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया नहीं, ये लोग थे अरब्स, राइट। ये डेजर्ट नोमैड्स थे गाइस। उसके बाद क्रोएट्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ क्रोएशिया, तो ये बिल्कुल सही गा, राइट। इस्किमोज लिव्स इन फिलीपींस, इस्किमोज जो हैं ईस्ट साइबेरिया और अलास्का में मिलते हैं आपको, राइट। और जो फिलीपींस में लोग रहते हैं उनको बोला जाता है नेग्रिटास और एटा। नेक्स्ट वन इज पीपल इन न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कीवी जो है एक स्पेशल टाइप का बर्ड है न्यूजीलैंड में, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान न्यूजीलैंड की जो आर्मी थी उसको बोला जाता था कीवी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज मियामी बीच इज अ सेंटर फॉर मैनी वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो ये इसमें आपको सही रहेगा। उसके बाद ग्लासगो इज नोन फॉर डायमंड माइनिंग, ये गलत रहेगा। होनोलुलु इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी गलत रहेगा। एंड इस्तानबुल इज फॉर्मली नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट। तो ये आपका सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज पार्ट 9 हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट।
देखिए पार्ट नाइन जो है वो डील करता है आपके पास किससे, पंचायत से, एंड पार्ट नाइन ए जो है वो डील करता है आपके पास म्यूनिसिपैलिटीज से, राइट। अब 73rd और 74th दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई थी वो हुई थी आपके पास 1992 में, राइट। बैक टू बैक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, राइट। उसके बाद 9th में आपके पास आया था पंचायती राज, राइट, और इसमें ये ऐड किया गया था शेड्यूल 11, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका शेड्यूल 12 भी ऐड हुआ था एंड म्यूनिसिपैलिटीज का पार्ट भी ऐड हुआ था, राइट, जो कि है 9A। तो ये दो जो है वो आपकी सही रहेंगी, बाकी जो है वो गलत है, राइट। तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा रहेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज जस्टिस दीपक मिश्रा हैज बीन, तो इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ, पहला गलत रहेगा आपके पास, इसमें सेकंड एंड थर्ड ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास बनेगा सी इज़ द राइट आंसर, राइट। 27th क्वेश्चन इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट। आफ्टर दैट इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा आपके पास, एंड थर्ड वन इज सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडेक्स असेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर जो सही रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीविका खेती पोर्टल, इसके रिगार्डिंग जो आपके पास सही स्टेटमेंट्स दी गई है यहाँ पे वो गई है फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा, सॉरी नॉट थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा गाइज वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। आफ्टर दैट 29th क्वेश्चन इज ब्लड प्लाज्मा कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट कोरोना वायरस, गलत, राइट। ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर, तो पेल येलो ही होता है इसका कलर, लाइट येलो कलर का होता है ये। इसमें आपको अगर चेक करना है तो आप एक ड्रॉप जो है ब्लड की वो वाइट टाइल पे फेंक के देख सकते हैं, आफ्टर 15 मिनट्स वो ड्रॉप जो है वो आपको दिखेगी कुछ येलो कलर में, एंड इसके बीच में आपको जो है वो कुछ इस टाइप की चीज़ें दिखेंगी रेड कलर में। तो ये जो येलो कलर है ये है ड्यू टू प्लाज्मा, राइट, एंड ये जो ये रेड कलर के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये है ड्यू टू फिब्रिन। फिब्रिन एक प्रोटीन है गाइज उसमें ब्लड में जो कि डिजॉल्व नहीं होता है ब्लड के अंदर, राइट। अब इससे रिलेटेड आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि पेल येलो कलर जो होता है जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इन फॉर्म ऑफ स्वेट, इन फॉर्म ऑफ यूरिन, इन फॉर्म ऑफ डैंड्रफ, इन फॉर्म ऑफ ईयर वैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, तो उन सभी का जो कलर रहेगा वो होता है पेल येलो, राइट। तो पेल येलो कलर होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी आपके पास, राइट। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा कंटेन हीमोग्लोबिन, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें आप ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हैं, एक तो आपका ऑप्शन सेकंड रहना चाहिए, राइट, तो इसमें सेकंड एक में ही है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद आपको अब मैच करनी है, राइट, लिस्ट दी गई है दो उसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली दरबार जो है वो आपका हुआ था 1877 में, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1878 में, राइट, कूका मूवमेंट जो थी ये आपकी 1872 में हुई, एंड क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर किया गया था केसरे हिंद इन 1876। तो ऑप्शन जो इसमें राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल सवाना, तो ये मैच होएगा आपका मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूज में पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट जो है वो आपका वेस्टर्न राजस्थान में होएगा, राइट, उसके बाद पोलर टाइप जो है वो J&K में रहेगा, राइट, एंड उसके बाद मॉनसून विद ड्राई समर ये आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा आपके पास वो भी रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर दैट कुछ अमेंडमेंट्स दी गई हैं, तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट आपको पता ही होगा कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था तब हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हमारे पास 9th शेड्यूल आया, राइट, तो ए का फोर्थ एक में ही है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, राइट। उसके बाद आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो 243D जो है वो आपका पंचायती राज से डील कर रहा है, तो यहाँ पे चेक करिएगा गाइस, सी का सेकंड इसमें आ रहा है एंड इसमें आ रहा है, राइट, एंड आर्टिकल 330 जो है वो आपका डील कर रहा है किससे, लोकसभा सीट से, राइट, तो ये जो है आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, राइट। अब गाइस ये नेट रेवेन्यू इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, राइट, तो इसमें ग्रोथ रेट GDP जो है हमारी 2018-19 की है, तो ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट, तो इसको जो है इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है, इसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा फिर कभी कमेंट सेक्शन में, तो इसको अभी आप स्किप कीजिए, नेक्स्ट
जो लिस्ट है वो है हमारे पास। इसमें क्या आएगा, लिटमस जो है वो लाइकन से कनेक्ट होएगा, नाइट्रोजन जो है वो चिप्स सील्ड इन पैकेट्स, तो जितने भी ये आपके पास चिप्स वगैरह आते हैं जो आप खाते हैं बड़े शौक से, उनके अंदर जो है उनको ख़राब ना होने देने की वजह से उसमें नाइट्रोजन फील्ड होती है, राइट। उसके बाद सी का फर्स्ट आएगा, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो इसका जो आपके पास ऑप्शन बन रहा है वो बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर दैट एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है डायप्टर, राइट। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज वोल्ट, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन पर कूलम्ब चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो वर्क अपॉन कूलम्ब ये यहाँ पर रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको यहाँ से ही पता चल गया होगा कि इसका क्या होता है, कूलम्ब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो गाइज ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल में होंगी, राइट। माउथ से लेके एनस तक ये पूरी की पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल रहती है। इसमें कुछ ऐसी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि खाने को और वेस्ट प्रोडक्ट को नीचे की तरफ धकेलने के लिए यूज़ होती हैं, राइट। तो ये आपको एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये आपके पाए जाते हैं स्टमक के अंदर, राइट, और ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, राइट। अमाइलेज जो है वो एक टाइप का एंजाइम है जो कि पाया जाता है सलाइवा में, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, राइट। एंड बाइल जूस जो है ये प्रोड्यूस करता रहता है लीवर कुछ अमाउंट में, राइट। तो 37 का जो आपके पास ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन बन रहा है गाइज वो बनेगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आफ्टर दैट 39th इज बीसी रॉय ट्रॉफी जो है वो आपकी एसोसिएटेड है इंडियन फुटबॉल से, राइट। एजरा कप जो है वो आपका पोलो से रिलेटेड, मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड विद हॉकी, एंड नेहरू ट्रॉफी जो है वो आपको दी जाती है बोट रेसिंग के लिए, राइट। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 40th का। अब यहाँ पे आपको कुछ अमेरिकन गिवन है, राइट, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है आपको वो मैच करना था। तो जेनिफर डॉडना ये आपके पास बायोकेमिस्ट है अमेरिकन, राइट, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। रॉबर्ट बी विल्सन ये आपके पास इकोनॉमिस्ट है, राइट। एड्रिया एमगीज ये है एस्ट्रोफिजिशियन, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, राइट। लुइस ग्लक ये जो है आपके पास पोइट है, तो ये लिटरेचर से रिलेटेड हो गए, राइट। एंड ये सभी कौन है, अमेरिकन। तो ऑप्शन जो आपके पास सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 2019-20 बजट एस्टिमेट्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज टू बी स्पेंड ऑन सैलरी पेंशन इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज इन हिमाचल प्रदेश, तो दैट इज 39%, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है मियाँ जवाहर सिंह, बद्रीनाथ एंड ज्वाला सिंह वॉज द लीडर ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, तो गाइज देखिए ज्वाला सिंह जो थे वो आपके लीडर थे आप गदर पार्टी के, राइट। उसके बाद जब मंडी में इन्होंने शिफ्ट किया था अपना ये, तो इनकी इन्फ्लुएंस में आ गए थे जवाहर सिंह एंड क्वीन ऑफ मंडी, राइट। तो इन दोनों से जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे ये लोग, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राइट। आफ्टर दैट द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लान्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इन HPCA स्टेडियम धर्मशाला, तो ये हुआ था गाइज आपका इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। उसके बाद GC बांस ने कोट किया था नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट, तो ये आपका किया गया था कांगड़ा के लिए, राइट, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट रहेगा। आफ्टर दैट 45th क्वेश्चन क्या है, इसमें जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा गाइज, ओनली वन इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट मुंड्रो एंड गरू, तो ये जो है आपका ये स्वांगलाज में होता है, राइट। आफ्टर दैट कुंचेन एक मैरिज फॉर्म है सिक्किम की जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, तो ये यहाँ पे होता है गाइज दारोश दबदब, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है कि मैरिज बाय कैप्चर उठा लिया जाता है गाइज, इसमें शादी में। द जाट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, तो ये बुद्धिज्म से थे, राइट। अब ये लोग जो है ये ट्राइब जो बसी कहाँ पे, ये चंबा एंड पांगी रीजन में, राइट।
और इसमें रहने वाली अनमैरिड गर्ल्स को बोला जाता था जोमो, राइट। तो ये कौन से रिलीजन से थे? तो ये थे बेसिकली बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। 49th क्वेश्चन क्या है? सुल्तान मोहम्मद गजनवी अटैक नगर कोट फोर्ट 1009 AD। तो ये बिल्कुल सही है, राइट। इन 1339 नगर कोट लीड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो 1339 नहीं था, ये था आपके पास 1337। ये स्टेटमेंट आपकी गलत रहेगी, राइट। उसके बाद इन 1348 AD राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। तो ये भी गलत रहेगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, 1 and 4th, राइट। आफ्टर दैट 50th क्वेश्चन है आपके पास। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825। तो ये 1825 नहीं था, ये 1824 था। पहले स्टेटमेंट आपका गलत है, सेकेंड इज राइट। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका सेकेंड भी सही है एंड फोर्थ भी सही है। ऑन 24th August 1809 महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर द पोजिशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोरखाज ने अटैक किया था इस पर, राइट। तो महाराजा रंजीत सिंह की हेल्प ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बनी रहिए।